नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो आज आपणे विषय हिंदी में व्याकरण टॉपिक में कि क्रिया शू है, क्रिया कोने कहेवाय एना विषय आज आपणे शीखीशुं। तो क्रिया यानी क्या, क्रिया किससे करते हैं, क्रिया यानी करना, किसी काम का हमें पता चलता है कि यहाँ पढ़ना, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये सब क्या है, तो क्रिया है, तो क्रिया यानी करना। परिभाषा है इसकी, तो हम देखेंगे जिस शब्द के द्वारा, यानी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया बोलते हैं। या जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, जाना, बैठना, उठना, ये सब क्रियाएं हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, करता यानी करता, तो क्रिया के करने का जो बोध होता है, करने वाला है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण एक सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है, उसमें सक्षम नाम का एक लड़का है, वह क्या कर रहा है, तो वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ सक्षम है वह क्या है, कर्ता है, सक्षम के द्वारा ही पुस्तक पढ़ाई जा रही है यानी कि पढ़ रहा है, तो उसमें सक्षम है वह क्या है, तो कर्ता है, और पढ़ना है वह क्या है, तो क्रिया है। नंबर दूसरा है बच्चे झूले, यानी कि बच्चे झूला झूल रहे हैं, उसमें बच्चे है वह क्या है, तो कर्ता है, और झूला यानी कि झूला झूल रहे हैं, इनमें झूल रहे हैं वह क्या है, क्रिया है। या दूसरे वाक्य में झूला झूल रहे हैं यानी कि झूला झूल रहे हैं वह क्या है, क्रिया है। नंबर तीन बाहर बारिश हो रही है, उसमें बारिश अपने आप ही होती है, इसमें कोई करता नहीं है। नंबर चार सूरज चमक रहा है, वह भी बारिश की तरह अपने आप ही चमक रहा है, इसीलिए बारिश और सूरज दोनों क्रिया अपने आप हो रही है, इसीलिए उसमें चमक रहा है और हो रही है, बारिश हो रही है वह क्या है, क्रिया है। तो आगे देखेंगे मित्रों कुछ उदाहरण है, तो श्वेता नाच रही है, उसने श्वेता नाम की जो लड़की है वह कौन सी क्रिया कर रही है, तो नाचने की, तो उस क्रिया का नाम है नाचना। तो नंबर दूसरा है विनय सो रहा है, उसमें सो रहा है उसकी कौन सी क्रिया है, तो सोना, तो विनय क्या कर रहा है, तो विनय सो रहा है। आगे देखेंगे मित्रों नंबर पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या है, तो करता है, और क्या कर रहे हैं, तो अखबार पढ़ रहे हैं, वह पढ़ने की क्रिया है, उसमें पढ़ने की क्रिया है, इसीलिए हम कहते हैं पढ़ना। नंबर चार मछलियां तैर रही है, कौन तैर रहा है, तो मछलियां, यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, तैरने की क्रिया हो रही है, इसीलिए उसको तैरना। रवि टीवी देख रहा है, उसमें रवि क्या कर रहा है, तो टीवी देख रहा है, उसमें देखने की क्रिया हो रही है, तो देखने की क्रिया को हम कहते हैं देखना। यहाँ नाचना, सोना, पढ़ना, तैरना और देखना वो क्या है मित्रों, क्रिया है, वो क्या है, क्रिया है। तो मित्रों आगे देखेंगे क्रिया के भेद के बारे में, क्रिया के कौन कौन से भेद है उसके बारे में करेंगे। उसमें नंबर एक है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया यानी क्या, तो कट कर दिया जाए तो कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अकर्म, जिसमें कर्म का न होना उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर ही होता है उसे हम क्या कहते हैं, राम खाता है,
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और
एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य के साथ मिलाकर जो वाक्य बनता है उसे हम संयुक्त कहते हैं। संयुक्त यानी कि संयुक्त क्रिया, वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर होती है। संयुक्त क्रिया उसे कहलाते हैं, यानी कि उसे कहते हैं। तो जैसे हम देखेंगे तुम रोज खाना खाया करो, उसमें दो क्रिया है तुम रोज, यानी कि तुम रोज क्या करो तो खाना खाया करो। वो यहाँ नाम का उल्लेख नहीं है, तो सर्वनाम का उल्लेख हुआ है। उसमें वो है, वो भी क्या है, एक सर्वनाम का उल्लेख है। खेल, वो खेल खेल चुका है। इस तरह आज हम क्रिया किससे करते हैं, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद के बारे में अच्छी तरह से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं तुमने क्रिया कैसे समझाई, और ये तमाम वस्तु तुम्हारे व्याकरण की जो नोटबुक है यानी अंदर आ वीडियो में स्टॉप करी और तुम्हारे बताए लिख दी।